हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी की सदस्यों ने बताया कि सोसाइटी की ओर से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आगामी 18 अगस्त से आरंभ होगा। वहीं आगामी 19 अगस्त को मुख्यतः लड्डू गोपाल का पंचामृत से महाअभिषेक किया जाएगा। आज किस तरह प्रेस वार्ता रखी हुई, क्या है आज प्रेस वार्ता? हम लोग को जन्माष्टमी की तैयारी के लिए हो रही है। तीन दिवसीय कार्यक्रम है। क्या खास है कार्यक्रम में? खास है कि 18 तारीख को शोभा यात्रा, फिर शाम को 6 बजे भजन संध्या आरती कब है, फिर 19 तारीख को प्रभु का जन्म उत्सव है, महाअभिषेक है और माताओं के द्वारा ब्रह्म संहिता का पाठन है। विशेष ये कार्यक्रम महेश्वरी भवन में होगा। किस तरह कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? मेन उद्देश्य है हम हरे राम हरे कृष्ण आप लोग के द्वारा प्रसार प्रचार के द्वारा जन जन तक ये मिले कि हाँ हरे राम हरे कृष्ण सोसाइटी से कार्यक्रम हो रहा है। 18, 19 और 20 दिवसीय 3 दिवसीय कार्यक्रम है। क्या खास है कार्यक्रम में? खास है कि अभिषेक तो हर मंदिरों में हर जगह होता है। हमारे यहाँ ब्रह्म संहिता का गायन किया जा रहा है अभिषेक के समय, माताओं के द्वारा किया जा रहा है। और हर जगह होता है कि सिर्फ जो मेन होते हैं वहाँ के अभिषेक के समय वो स्टेज पे होके प्रभु का अभिषेक करते हैं। हमारे जितने होते हैं, जितने भक्त होते हैं, जितने नीचे बैठे होते हैं, सारे लोग अभिषेक एक साथ करते हैं वहाँ।